अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं VSSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है वो MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। दोस्तों, हमारी असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, जिसमें आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल हैं। उसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग शामिल है, उसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट शामिल है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग शामिल है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग शामिल है, उसमें आपका HTML है, उसमें आपका जावा है, उसमें आपका वेब डेवलपमेंट है, उसमें आपकी C++ है, उसमें आपका ऑफिस है, उसमें और बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। तो मेरी सारी दोस्तों से गुजारिश है कि आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल का जो URL है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और इस वीडियो के एंड में भी है, www.youtube.com/teachersonline-for-you। दोस्तों, मेरी असाइनमेंट से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड या GDB से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज होती हैं वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, वो भी आपको आइडिया देने के लिए है कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। मिस फातिमा, फैशन डिजाइनिंग ग्रेजुएट, इज वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेक्शन ऑफ फेमस फीमेल आउटफिट ब्रांड। हर जॉब इज टू थिंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड डेवलप यूनिक प्रोडक्ट रिलेटेड टू द फैशन इंडस्ट्री एंड मेंटेन कटिंग एज डिस्टिंक्टिव एडवांटेज ऑफ फर्म इन द मार्केट। एम economic crunch of the country, the company is being forced to downsize its HR, thus creating vibe of job insecurity among the employees. In these conditions, Fatima intend to prepare plan B to bear the worst case scenario and start her own business in case of her job layoff from the company. Fatima hai, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, ग्रेजुएशन की है और शी इज़ वर्किंग इन दी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और नए नए आइडियाज को लेकर आती है। ड्यू टू दी डाउनसाइजिंग उसको जो है ये डर है कि उसकी जॉब जो है वो इनसिक्योर है और उसको ले ऑफ कर दिया जाएगा या फायर कर दिया जाएगा। तो वो बी प्लान उसका जो है वो ये है कि वो एज एन एंटरप्रेन्योर अपना एक बिजनेस शुरू करेगी। अब ये एक हमें सिनेरियो दिया गया। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप इज मोस्ट सूटेबल फॉर फातिमा कंप्लाइंग विद हर पर्सनल एट्रीब्यूट। अब जो उसकी सारी ये जो ऊपर एट्रीब्यूट बताए गए हैं उनके साथ वो कौन सा बिजनेस जो है वो स्टार्टअप कर ले सकती है। प्रोवाइड 3 लॉजिकल आर्गूमेंट टू सपोर्ट योर सिलेक्टेड स्टार्टअप। हमने जो है उसकी फिर 3 वजह बतानी है कि वो वाला जो स्टार्टअप है वो क्यों सिलेक्ट करेगी। ये है दोस्तों हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो है देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप, 3 किस्म के बिजनेस स्टार्टअप हैं दैट अ पर्सन कैन टेक। कोई भी आदमी जो है वो इनमें से सिलेक्ट कर सकता है। दीज आर एज फॉलो, लाइफस्टाइल फर्म है, दूसरा जो है हमारे पास फाउंडेशन कंपनीज है और तीसरा जो है हाई पोटेंशियल वेंचर है। आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर करना क्या है, करना ये है कि आपने इन 3 स्टाइल में से कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करना है और फिर जो सेलेक्ट करेंगे आपने उसका रैशनल देना है, उसकी लॉजिक देनी है 3। आपने इररेलीवेंट नहीं लिखना है। मैं इन 3 को बारी बारी डिस्कस करूंगा और इसके साथ जो है
आपको लॉजिक्स भी बताता जाऊंगा कि अगर हम लाइफस्टाइल फर्म सिलेक्ट करते हैं या फाउंडेशन कंपनी सिलेक्ट करते हैं या हाई पोटेंशियल वेंचर सिलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने की वजह क्या है, वो इसके रीजंस भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। अब आपने ये फैसला करना है कि आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो और आपने एक ही सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उसका रैशनल देना है। जरूरी नहीं है कि जो रैशनल या जो पॉइंट या जो आर्ग्यूमेंट मैं मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस करूं वही आप लें, आप उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला स्टाइल इसमें है लाइफ स्टाइल फर्म। अब लाइफ स्टाइल फर्म जो है वो एक स्टार्टअप है। ये होता क्या है, लाइफ स्टाइल फर्म एग्जिस्ट प्रिलिमिनरी टू सपोर्ट द ऑनर। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनर को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब ये इसकी एक लॉजिक भी बन सकती है कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज प्रिलिमिनरी सपोर्ट द ऑनर, कि ये ऑनर को सपोर्ट करता है, तो ये हमारी एक लॉजिक बन सकती है। एंड यूजुअली हैव लिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और इसकी जो है ग्रोथ वो लिटल अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये इसकी एक दूसरी लॉजिक भी बन सकती है। दिस टाइप ऑफ फर्म मे बी ग्रो आफ्टर सेवरल ईयर टू 30 or 40 इम्प्लॉइज। अब दो लॉजिक्स और बन गई कि ये जो बिजनेस है ये डेवलप होता है या ग्रो होता है विद द फेवरल ईयर, बहुत लंबे अरसे के बाद, और उसके साथ जो है उसके जो इम्प्लॉय होते हैं वो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीरियड वो 30 या 40 हो जाते हैं, तो ये इसकी एक और लॉजिक बन जाएगी। तो अगर आप ये लाइफ स्टाइल फर्म सिलेक्ट कर रहे हैं तो इन चार लॉजिक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। अब हम चलते हैं जी अपनी दूसरी स्टार्टअप की तरफ, दैट इज फाउंडेशन कंपनीज। अब फाउंडेशन कंपनीज क्या होती हैं, अ टाइप ऑफ कंपनी फॉर्म्ड फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट यूजुअली डज नॉट गो पब्लिक। ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेट कर रही होती हैं, ये फर्स्ट वन लॉजिक। दीज आर नॉट रिलेटेड टू द जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक से रिलेट नहीं करती, ये इसकी दूसरी लॉजिक है। बट इन द आवर केस, हमारे केस के अंदर जो है वो जो फातिमा है वो स्टार्ट करने जा रही है एक नया बिजनेस, ठीक है, तो वो जनरल पब्लिक के लिए है, तो ये वाली जो हमारा स्टार्टअप है ये हमारा वैसे ही अप्लाई नहीं होगा। दिस फर्म कैन ग्रो 5 to 10 ईयर फ्रॉम 40 to 400 एम्प्लॉय, और इसको जो है ग्रो होने के लिए 5 से 10 साल लग सकते हैं, और जो है इसके जो इम्प्लॉयज हैं वो 40 से 400 तक हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर। तो ये हमारी सेकंड कंपनी है। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसकी लॉजिक बता दीजिए। अब थर्ड वन जो है वो है हाई पोटेंशियल वेंचर। अब हाई पोटेंशियल वेंचर, अ वेंचर हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड देयर ऑफ रिसीव ग्रेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। के पहली जो बात है वो ये है कि इफ अगर कोई ये बंदा हाई पोटेंशियल वेंचर शुरू करता है तो उसका जो बिजनेस है वो पोटेंशियली ग्रो करेगा और बड़ी स्पीड के साथ ग्रो करेगा, फास्टली ग्रो करेगा। द सेकंड पॉइंट इफ द ग्रेटर इन्वेस्टर इंटरेस्ट, और जो जिस बंदे ने उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है उसका जो इंटरेस्ट है इन दैट बिजनेस वो भी बहुत हाई होगा। द कंपनी मे स्टार्ट आउट लाइक अ फाउंडेशन कंपनी। अब ये बिल्कुल एक बुनियादी बिल्कुल स्क्रैच से आपको शुरू करना पड़ेगा, बट इट्स ग्रोथ इज फॉर मोर रैपिड ग्रोथ, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी रैपिडली होगी, ये पहले भी बात आ चुकी है। आफ्टर 5 to 10 ईयर द कंपनी कुड अप्लाई अराउंड 500 एम्प्लॉयज, और इसमें जो है 500 एम्प्लॉयज होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर। दी फॉर्म आल्सो कॉल्ड गेजल्स एंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरिया। अब ये उस एरिया के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे होगी उस एरिया के अंदर वेयर द कंपनी इज स्टार्टिंग, जहां पे वो कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो ये भी एक इसकी लॉजिक बन सकती है। तो दोस्तों मैंने आपसे तीनों स्टार्टअप शेयर किए। द फर्स्ट वन इज लाइफ स्टाइल फॉर्म, उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बताए। फिर मैंने आपसे फाउंडेशन कंपनीज के बारे में फिक्र किया, उसके भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, और लास्ट में हाई पोटेंशियल वेंचर बताया और उसके भी कुछ पॉइंट बताए। अब आपने ये खुद सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, और फिर आपने उस हिसाब से जैसे मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं आपने वो पॉइंट अपने अल्फाज में लिखने हैं, और इस तरीके से आपकी ये असाइनमेंट बन जाएगी। दोस्तों
मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी। आप जल्दी से टाइप कीजिए www.youtube.com/teacher1lineforyou, वहां पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे आपके लिए अवेलेबल हैं VS101 के लेक्चर्स, MGT101 के लेक्चर, VS201 के लेक्चर, MGT201 के लेक्चर एंड HTML के लेक्चर, और भी बहुत सारा स्टफ जो है वहां पे मेरा अपना रिकॉर्डेड अवेलेबल है और आप उसे सीख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, GDB सॉल्यूशन या असाइनमेंट के सॉल्यूशन तक, उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।